हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे, मैं आई हूँ हार्डिक के स्कूल। हार्डिक का आर्ट क्लासेस चल रहा है, तो गाइस आप लोग कैसे हो बताइएगा। और एक मेरे वीडियो में और एक ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्डिक का आर्ट क्लासेस चल रहा है तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और हार्डिक के आर्ट क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं मेरी फ्रेंड के घर में चली गई थी। बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ था तो वहाँ पे चली गई हूँ। कब टाइम, अभी शायद 5:30 बजे है। 5:30 बजे के करीब मैं यहाँ आई थी और अभी भी हमको लेने के लिए आए हैं। अभी बजे है 7:00। आना नहीं चाहती, कैमरा कॉन्शियस है बहुत, कैमरा शाय है, इसीलिए मैंने पीछे से उसकी क्लिप थोड़ी ले रही हूँ। वैसे वो बाद में देखेगी तो गुस्सा ही करेगी कि क्यों डाल दिया ये क्लिप वीडियो में। हाँ, तो ये हार्दिक के फ्रेंड दोनों खेल रहे हैं और अभी अभी चाय पी रहे, उसके बाद हम चलेंगे घर के लिए, घर की तरफ चलेंगे। मेरी फ्रेंड मेरे हबी से बात कर रहे हैं, बहुत दिन यहाँ आना नहीं हुआ था। तो जब नहीं आना होता है फिर क्या होता है ना कि जाऊँ ऐसा लगता है, तो कब जाऊँ ऐसा फील होता है। तो ये देखिए, मेरी फ्रेंड अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती, इतना कैमरा कौन सी ऐसे कौन होता है। देखो कितनी मशक्कत करने के बाद, कितनी बोलने के बाद उसने अपना चेहरा दिखाया है एक बार ही, ये देखिए। तो ये मेरी फ्रेंड हार्दिक का पहला जो स्कूल था, प्ले स्कूल, वहाँ का फ्रेंड है। हाँ, तो गाइस हार्दिक के मैं अपनी फ्रेंड के घर से चली आई हूँ और घर आके थोड़ी सी टायर्ड फील हो गई हूँ, क्योंकि घर से निकले थे करीब 3:30 बजे और घर आते आते 6:00 बज गए घूम फिर के। तो थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद से डायरेक्ट डिनर में आप लोगों से मिलेंगे। आज डिनर में मेरा बनेगा सोयाबीन और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बनेगा। पहले सोयाबीन को थोड़ा सा गर्म पानी पे भिगो लेते हैं, नहीं तो सोयाबीन का जो एक स्मेल रहता है वो खाने में आ जाता है आप अगर उसको गर्म पानी से ना धो। तो पहले इसको सोयाबीन को गर्म पानी से धो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं, उसके बाद इसकी सब्जी बनाते हैं। देखिएगा, तो मैं सोयाबीन के साथ थोड़ा आलू डालूँगी और ये है स्क्वाश। आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है ये स्क्वाश। और सोयाबीन का आज सब्जी नहीं, ग्रेवी बनेगा। आज ग्रेवी बनाएंगे स्क्वाश और सोयाबीन, क्योंकि आज सैटरडे है, नो चिकन नो मटन, और हल्का फुल्का ही कुछ बनेगा। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने प्रिपरेशन कर दिया है, ये बनेगी ग्रेवी। तो घर में चावल ख़त्म हो गए थे तो चावल की डिब्बी खोलने जा रही हूँ मैं। ये हाँ, घर से ही लाते हैं, हमारा तो मोस्टली चावल ससुराल से ही आते हैं, लेकिन जब टाइम नहीं होता ससुराल जाने के लिए और चावल ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे ही अभी ऐसे ही 10 किलो का पैकेट लाते हैं, तो 1 महीने के करीब शायद चल जाता है, क्योंकि हमारा दिन में ज़्यादा चावल लगता नहीं है। हाँ, तो गाइस ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो गया है, ग्रेवी वाली सोयाबीन और स्क्वाश आलू की सब्जी और ग्रेवी। तो उसके साथ थोड़ा दिन का चटनी जो बनाता वो चटनी और काला चना और खीरा प्याज टमाटर ये सब काट के रखा है। ये हार्दिक, अभी रात के 11 बजे हैं, तो कल मिलते हैं आप लोगों से, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आज शाम से ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी तो कल मॉर्निंग है, कल दिन में आज के ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। तो अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे। बाय बाय गाइस, बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट। तो गाइस सीधा मॉर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मॉर्निंग में अभी मैंने नहा धो लिया है, सिर्फ ब्रश नहीं किया था, तो फटाफट से ब्रश करी और तब देखती हूँ हार्दिक और अभी भी जाग गए हैं। पूरा मतलब अच्छे से यहाँ पे बोला था, लेकिन देखती हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूजिक बज रहा था। ये हबी
तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और देखिए हमारे कैंपस में कितनी सारी बाइक्स और बाइक रहती है और गाड़ियाँ भी रहती है यहाँ पे, लेकिन वो अभी निकल गए हैं गाड़ियाँ वगैरह। तो सुबह के नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ फ्राइड राइस। थोड़ा तले में चिपक गया है, ऐसे एलुमिनियम की कढ़ाई में तले में चिपक जाता है कि नहीं, तो तले में थोड़ा सा चिपक गया है। इसमें थोड़ा सा रात का बसा हुआ सोयाबीन है, सोयाबीन डाला है, आलू और प्याज के साथ थोड़ी सब्जी बना के ये हम मैं और हबी खाएंगे। और इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ और सब्जी भी मसाला भी थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो गाइज हम आज के मॉर्निंग के नाश्ते में हमारा यही है। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा मैंने कपड़े भिगो के रखा था, मतलब एक बहुत भारी सा कंबल भिगो के रखा था, तो उसी को ही मुझे धोना है। तो फटाफट से उसको धो लेते हैं, उसके बाद लंच की तैयारी करनी है। होप कि ये छोटी मोटी वीडियो, छोटी मोटी क्लिप से आज का ब्लॉग बना है, मेरे फ्रेंड से भी मिले, हार्दिक के स्कूल भी गए, तो उसी से आज का ब्लॉग रेडी की हूँ। होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और संडे का दिन होता है हैवी हैवी काम करने का दिन, हैवी हैवी कपड़े धोने का दिन, तो इसी का काम के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Strangest thing, it's shorter than you think. No think.